हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर का ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक सीखने वाले, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर में ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सीखे हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सीखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज ऑन एनी एलिमेंट्स इन बॉन्डिंग स्टेट, किसी भी एलिमेंट पे जो बॉन्डिंग स्टेट में चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। देख लो, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं NaCl, NaCl डिसोसिएट होता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो सोडियम पे प्लस वन चार्ज जो डेवलप हो रहा है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। और क्लोरीन पे जो माइनस वन चार्ज डेवलप हो रहा है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हो कि हो जाएगा। माइनस वन क्लोरीन पे आ जाएगा और प्लस वन सोडियम आइटम्स पे आ जाएगा। अब चार्ज डेवलप्स कैसे होगा, तो किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज डेवलप्स होगा उसके डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वजह से चार्ज डेवलप होगा। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो इसका हम एक सेपरेट चैप्टर में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। अभी जान लो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है 4.0 एंड क्लोरीन का आता है 3.0, ऑक्सीजन का आता है 3.5 एंड नाइट्रोजन का है 3.0। ऑक्सीजन सबसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होता है, उससे कम होता सॉरी फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है उससे कम होता है ऑक्सीजन का, और क्लोरीन एंड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है। चार्ज किसी भी एलिमेंट पे चार्ज डेवलप होगा उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के वजह से उस पर चार्ज डेवलप होगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होगा वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचने की वजह से उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है, ए और बी कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें देखते हैं चार्ज किस पे कब कैसा डेवलप होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इक्वल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, तो दो एटम्स हैं ए एंड बी जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो इस पे भी चार्ज जीरो हो जाएगा और इस पे भी चार्ज जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने की वजह से ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इस बाउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन ए आइटम्स ने पार्टिसिपेट किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन आइटम्स ने सॉरी बी आइटम्स ने पार्टिसिपेट की है, तो पार्टिसिपेट इस बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन इस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में दोनों आइटम एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट किया है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का सेम हो जाने के कारण ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है ना तो बी आइटम्स अपनी ओर खींचेगा और ना ही ए आइटम अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों आइटम्स में से कोई भी इस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं जा रहा है, तो दोनों पे चार्ज जीरो जीरो हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2 हो जाएगा या फिर N2 हो जाएगा या O2 आ जाएगा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या फिर F2 बोल सकते हो, Cl2 बोल सकते हो, etc. ढेर सारा एग्जांपल होगा। नेक्स्ट केस आता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किससे, बी से। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है बी से तो ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है तो ए जो है सो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा, इसके वजह से ए पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बी एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। एग्जाम्पल देखते हैं,
के बी आर पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम फ्लोराइड। एक एग्जांपल को तोड़ के दिखा दे रहे हैं। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट है, और सॉरी पोटेशियम जो है सो इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट है और ब्रोमीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो इसमें क्या करेगा, ब्रोमीन आइटम को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ब्रोमीन आइटम क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींचेगा, खींचने की वजह से ब्रोमीन आइटम्स पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है किससे, बी से। तो इस केस में ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है बी से। एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड। इस केस में ए एटम्स सोडियम को मान ले रहे हैं, सोडियम क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, Na प्लस प्लस एच माइनस के फॉर्म में ये डिसोसिएट कर जाएगा। तो सोडियम पे प्लस वन चार्ज डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन आइटम्स पे माइनस वन चार्ज डेवलप होता है। अब नेक्स्ट है, रूल टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला रूल आता है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन फ्री या फिर एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो। पहला रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट का वो फ्री स्टेट में हो या फिर एलिमेंट्री स्टेट में हो यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, तो वैसा मॉलिक्यूल्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जैसे एग्जांपल है, H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट्री स्टेट यानी फ्री स्टेट में, आयरन जब फ्री स्टेट में रहेगा, एल्युमिनियम फ्री स्टेट, एल्युमिनियम फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन सॉरी एल्युमिनियम फ्री स्टेट में रहेगा, तो उस समय में ये सब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर सेकेंड, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट यानी लिथियम, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये सारे के सारे ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज शोज प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन बाउंडेड स्टेट। ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये सारे के सारे एलिमेंट प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा जब वो बाउंडेड स्टेट में होगा। एग्जांपल देखते हैं, NaCl ये बाउंडेड स्टेट में प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, सोडियम प्लस वन एंड Cl माइनस वन। तो हम लोग को अभी इस पे देखना है, ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट हमेशा जब बाउंडेड स्टेट में रहेगा, बाउंडेड स्टेट में रहेगा तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर थ्री, ग्रुप सेकेंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इन बाउंडेड स्टेट। बाउंडेड स्टेट में
बॉन्डेड स्टेट में सेकेंड ग्रुप एलिमेंट एस ब्लॉक का प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अब बात है कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक का कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये सारे के सारे एलिमेंट सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट है। ये बाउंडेड स्टेट में एक एग्जांपल ले लेते हैं, MgCl2। बाउंडेड स्टेट में मैग्नीशियम हमेशा, चूंकि सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट है, तो हमेशा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। बाउंडेड स्टेट में हमेशा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4, हाइड्रोजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1 इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्राइड। हाइड्राइड को छोड़ के हाइड्रोजन सारे केस में प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस 1 और माइनस 1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, नॉन मेटल का कंपाउंड बनाएगा, उस समय में प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जैसे वाटर H2SO4, HCl, इस सारे के सारे केस में हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, प्लस 1 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा हो, यानी मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा हो, उस केस में माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। एग्जांपल है सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड। इस केस में हाइड्रोजन माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, सोडियम प्लस प्लस एच माइनस के फॉर्म में जाएगा, प्लस सोडियम प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। और हाइड्रोजन जो है, क्योंकि मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस केस में माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, लेकिन हाइड्रोजन नॉर्मली प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हैलोजन एलिमेंट्स कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे के सारे एलिमेंट ऑलवेज माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, हमेशा माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। एक्सेप्शन है जब ऑक्जो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, या फिर ऑक्जो एनायन का फॉर्मेशन करेगा, उस समय में प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। नेक्स्ट रूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस 2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 2 लेंगे मैक्सिमम कंपाउंड में, लेकिन जब वो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, उस समय में माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, और जब वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, उस समय में माइनस हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। देखते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 2 से लेके प्लस 2 तक वैरी करेगा। माइनस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नॉर्मली जब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा हो, या फिर H2SO4 का कर रहा हो, या KMnO4 का कर रहा हो, जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, उस समय में माइनस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जब वो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, उस समय में माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, जैसे H2O2, Na2O2, BaO2। नेक्स्ट आता है, ऑक्सीजन जब सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा हो, ऑक्सीजन जब सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा होगा, उस समय में ऑक्सीजन माइनस हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसी कंपाउंड को देख ले रहे हैं, K2O, ये ब्रेक करेगा 2K+ O हाफ माइनस में। कंप्लीट है,
ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कितना आ रहा है, माइनस हाफ। नेक्स्ट केस है, यहां पे एक एक्सेप्शन है ऑक्सीजन के केस में, जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, एक्सेप्शन देख लो भाई, एक्सेप्शन, ऑक्सीजन जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, वैसे केस में ऑक्सीजन प्लस टू और प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, प्लस टू और प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। एग्जाम्पल, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन कब शो करेगा, जब ओ एफ टू ओ का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, जब एफ टू ओ का फॉर्मेशन कर रहा होगा उस समय में ऑक्सीजन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होने के कारण इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचने की वजह से इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है एक दूसरे से। और इस फ्लोरीन पे भी सेम प्रोसेस होगा, इस फ्लोरीन पे फ्लोरीन आइटम ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचने की वजह से फ्लोरीन पे माइनस वन चार्ज डेवलप हो जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस वन चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखें तो ऑक्सीजन पे प्लस टू चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन F2O अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम्स के साथ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा, उस केस में प्लस टू को शो करेगा। सेम केस बनता है जब वो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, अपने से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम के साथ पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होगा ऑक्सीजन एटम्स, तो उस केस में F2O2 इसका एग्जाम्पल है, उस केस में प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एफ एंड एफ, फ्लोरीन आइटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचने की वजह से फ्लोरीन पे माइनस वन चार्ज डेवलप हो जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस वन चार्ज डेवलप हो जाएगा। सेम प्रोसेस इस केस में भी, फ्लोरीन पे माइनस वन चार्ज डेवलप हो जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस वन चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आइटम दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये ऑक्सीजन आइटम अपनी ओर खींचेगा और ना ही ये ऑक्सीजन आइटम अपनी ओर खींचेगा, तो इस दोनों के वजह से इस पे, इसके वजह से इस पे जीरो चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसके वजह से इस ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जीरो या फिर चार्ज ऑन देम। ये आगे हम लोग किसी भी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे, वहाँ पे इस पॉइंट का जो है सो यूज किया जाता है कि सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर लेना है इक्वल टू जीरो लेना है, या फिर उस पर जो चार्ज डेवलप होगा या पॉजिटिव में हो या फिर निगेटिव में हो तो ओ ले लेना है। अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जितना है, अगर पॉजिटिव में मान के चलते हैं 5 है तो पॉजिटिव में 5 ले लेंगे, या फिर निगेटिव में अगर 5 है तो निगेटिव में 5 ले लेंगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर जैसे H2O मॉलिक्यूल का ही निकालना सिखाऊंगा उस समय में जो है सो दिखेगा, इस पॉइंट को अभी होल्ड करो। नेक्स्ट, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ इनर हैलोजन कंपाउंड द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैज निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, बट लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके एग्जाम्पल से समझो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इनर हैलोजन कंपाउंड जो होगा जैसे Cl F3, ये भी हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है और ये भी हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो जब हैलोजन फैमिली का एलिमेंट आपस में ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा होगा उस केस में,
उस केस में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इस केस में सी एल एफ थ्री मॉलिक्यूल के केस में सी एल प्लस सी एल प्लस एफ माइनस के फॉर्म में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और क्लोरीन पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, और फ्लोरीन पे माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। क्योंकि क्लोरीन से तीन फ्लोरीन आइटम जुड़ा हुआ है, तो तीन फ्लोरीन आइटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तीन सिंगल बॉन्ड से खींचा जा रहा है, तो क्लोरीन पे तीन वन यूनिट चार्ज पॉजिटिव में डेवलप हो जाएगा, इसीलिए क्लोरीन पे थ्री पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड थ्री एफ माइनस यानी इस फ्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 9 लोग देखते हैं, द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो एलिमेंट इट्स ग्रुप नंबर, किसी भी एलिमेंट का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। एग्जांपल्स, जैसे ऑक्सीजन 6 ए ग्रुप एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा, यानी प्लस 6 होगा, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेप्शन केस है, वो हमेशा प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करेगा, इसी ग्रुप का एलिमेंट जैसे सल्फर है, तो सल्फर 6 क्योंकि सेम ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ए ग्रुप एलिमेंट है, तो सल्फर मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, नाइट्रोजन का अगर बात करें तो नाइट्रोजन 5 ए ग्रुप एलिमेंट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन प्लस 5 तक शो करेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट रूल नंबर 10, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो द एलिमेंट्स ग्रुप नंबर माइनस 8। अब बात करते हैं, 9 रूल जो था वो देख रहे थे कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को कितना शो करेगा, जितना उसका ग्रुप नंबर होगा, लेकिन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो ग्रुप नंबर जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप नंबर माइनस 8 आएगा। अब बात करते हैं, ऑक्सीजन का ही केस ले लेते हैं। एग्जांपल में ऑक्सीजन 6 ए ग्रुप एलिमेंट है, 6 ए ग्रुप एलिमेंट होने के कारण ये इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, 6। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप नंबर माइनस 8, 6 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो ग्रुप नंबर माइनस 8 रखेगा। एग्जांपल के रूप में हम लोग ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 तक जाएगा, उसका जो ग्रुप नंबर होता है। एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं, नाइट्रोजन का केस, नाइट्रोजन 5 ए ग्रुप एलिमेंट है, तो 5 ए ग्रुप एलिमेंट है, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3, तो नाइट्रोजन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 3 शो करेगा, अब कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है उस एटम्स का, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है। ओके, थैंक यू।